देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ मुझे वो सुनहरा मोती बिना लड़ाई किए ले जाने दो। बालक, ये ब्रह्मलोक है, यहाँ प्रार्थनाएं काम नहीं करती, बल काम करता है। बल, यदि तुम्हें वो मोती चाहिए तो तुम्हें मुझे पराजित करना होगा। पराजित? तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फर्क पड़ता है, मुझे तो एक चाहिए, मैं एक ले लेता हूं। नहीं, ये ब्रह्म लोक है, पर ये सारे सुनहरे मोती मुझे ब्रह्म में डालने के लिए भी हो सकते हैं। तो इनमें से असली सुनहरा मोती कौन सा है, ये पता कैसे लगाऊं? और समय भी बीतता जा रहा है, क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि असली सुनहरा मोती कौन सा है? मानव, मैं तुम्हारे स्कूल को तोड़ने जा रहा था, फिर भी तुमने मेरी सेवा की। मिस्टर मोंटू, तुम भूल गए, लेकिन हमें याद है जो हमें स्कूल में सिखाया गया। हाँ मोंटू, हमें स्कूल में हमेशा यही सीख दी है कि चाहे जो भी हो या जैसा भी हो, अगर वो मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और ये सीख हमें इसी स्कूल से मिली है। मैं भी एक सीख देना चाहता हूँ आप लोगों को, अंत भला तो सब भला। सही बात मोंटू बेटा, आज बच्चों की इसी अच्छी सीख की वजह से वो तुम्हारी मदद करने चला है। अब बेटा तुम भी अच्छे बन जाओ और ये स्कूल तोड़ने की जिद अपने मन से निकाल दो। बेटा स्कूल तो एक सरस्वती का मंदिर होता है, आज बच्चों को अच्छी स्कूल और शिक्षा की बहुत ही जरूरत है ना? सही कहा पापा आपने, अगर मैंने स्कूल में कभी ध्यान दिया होता ना तो मेरे दिमाग में ये गलत सोच कभी नहीं आती थी।
प्लीज मुझे माफ कर दो मानव मेहर, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो मानव मेहर, प्लीज दोस्ती कर लो। मंटू बेटा क्या हो रहा है? मंटू मंटू बेटा, मैं मानव, मैं क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मानव? मंटू मंटू बेटा क्या हो रहा है तुझे? मानव लोक में सभी बच्चों की आयु तेजी से बढ़ती जा रही है, सभी बच्चे समय से पहले ही बूढ़े और कमजोर हो गए। ये सही नहीं हो रहा है। बच्चे 99 वर्ष के हो चुके हैं और बस कुछ ही पलों में 100 वर्ष के हो जाएंगे और उसके बाद हम चाहकर भी उन्हें उनका बचपना नहीं लौटा पाएंगे। यानी यानी बच्चों की हंसी की गूंज, उनका खिलौनों के साथ खेलना, उनकी मीठी मीठी बातें करना, उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमें तो ये सोच के डर लग रहा है रानी परी कि अब से कुछ ही समय में पृथ्वी लोक पर बच्चे ही नहीं बचेंगे। अब बच्चों का बचपन लौटाना केवल बालवीर के हाथ में है। लेकिन बालवीर कहाँ है, कैसा है, हमें कुछ भी तो नहीं पता। क्या करें, इस अनहोनी को होने से कैसे रोके रानी परी? कुछ कीजिए रानी परी, कुछ कीजिए, ज्यादा समय नहीं है बच्चों के पास। काश हमारे पास इस शैतानी हवा के असर को रोकने का कोई उपाय होता। बालवीर, बालवीर कहाँ है आप? अब जल्दी से लौट आइए बालवीर, बच्चों को आपकी जरूरत है। बच्चों के बचपन को यूं मिटने नहीं दे सकते। बालवीर जल्दी लौट आइए। सूरज डूबने वाला है, बालवीर अभी तक नहीं आया। उधर बच्चे पूरे 99 साल के हो गए होंगे, 100 वर्ष के पूरा होने में सिर्फ थोड़ा सा ही समय बाकी है। मुझे नहीं लगता कि बालवीर समय पे पहुंच पाएगा। अगर बालवीर समय पे नहीं पहुंच सका तो बच्चों को हमेशा बूढ़ा ही बन के रहना पड़ेगा। ये पूरा पहाड़ क्यों उठा कर लाए? महामाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से असली सुनहरा मोती कौन सा है, तो मैं पूरा पहाड़ उठा के लेके आया। अब इनमें से जो भी असली सुनहरा मोती है उसे आप ले लीजिए और पवित्र हवा बना दीजिए। Thank you.
यहाँ। पवित्र हवा, इस बोतल में घुस जा, ये है पवित्र हवा। बालवीर, इसे पूरे पृथ्वी पर फैला दो ताकि बच्चों पर जो शैतानी हवा का असर हुआ है वो हट जाएगा। पर महामाई, इस दवा से बच्चे ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बच्चे, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मुझे तुझ पर गर्व है। सच में तू बच्चों का सबसे बड़ा रक्षक है। जाओ बालवीर, समय बहुत कम है। शुक्रिया महामाई। खुश रहो महामाई, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। मुझसे बच्चों की हालत नहीं देखी जाती। बालवीर कब ठीक करने की दवा लेकर आएगा? पिता, मैं खुद अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या हो गया हमारे बच्चों को। स्मिता, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी भगवान जी को बोलता हूँ कि वो प्लीज जल्दी से बालवीर को मानव मेहर की दवा लेके यहाँ पे भेज दें ताकि मानव मेहर जल्दी से ठीक हो जाए। मैं अभी जाता हूँ। बहू, जल्दी से पानी दो। मुझे शैतानी हवा का इलाज ये पवित्र हवा मिल गई है, पर हमारे पास समय बहुत कम है और इतने कम समय में ये पवित्र हवा पूरे पृथ्वीलोक में फैलाना असंभव है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बालवीर, इसका उपाय है हमारे पास। बालवीर, इस पवित्र हवा को इस कुंड में डाल दीजिए। इस कुंड के द्वारा ये पवित्र हवा एक साथ पूरे पृथ्वीलोक में फैल जाएगी। अच्छाई की वो ताकत हो जिससे उसकी नींव कभी डगमगा नहीं सकती। बालवीर, महामई से शैतानी हवा का इलाज लाकर आज आपने ये सिद्ध कर दिया है कि
आपके बच्चों के आसपास खतरा थोड़ी देर के लिए मंडरा तो सकता है, लेकिन आपके होते हुए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुक्रिया रानी परी। हे द्वारका नाथ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने दोगे। हाँ भगवान जी, आप प्लीज मेहर मानव और सभी बच्चों को जल्दी से अच्छा कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे बड़ा कर दीजिए। भगवान, मैं समझ गया, बच्चों की शरारतें ही घर की रौनक होती है। जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खुशियां मनाते हैं, उसी से घर घर बनता है। भगवान प्लीज हमारे घर की खुशियां लौटा दो। भगवान मेरे बच्चों को ठीक कर, अगर बच्चों का बचपना छिन गया तो दुनिया से मासूमियत चली जाएगी। वो हमारे घर के चिराग है, उनको रोशनी देते रहना भगवान। दादी, भगवान को थोड़ा रेस्ट करने दो। हमारा कहानी सुनने का टाइम है। हाँ तो दादी, आप सोने से पहले हमें परियों की कहानी सुनाओगे ना? हाँ 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 मानव महेश, माँ महेश, दोनों बच्चे ठीक हो गए? पर हम बिगड़े ही कब थे कि ठीक हो जाएंगे? किसी ने भी इस पर ये झूठा इल्जाम लगाया तो मैं कोर्ट जाऊंगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? बोल बेटा बोल, तुझे जो बोलना है बोल, तुझे जितना बचपना करना है कर। लेकिन मानव अपना होमवर्क भी, वरना कल मैं तुझे क्लास में पनिशमेंट दूंगी। मैं टीचर की तरह क्यों बोल रही हूँ? ऐसे ही बेटा, ऐसे ही बस बोलते रहो, कितना अच्छा लग रहा। हाँ बेटा, आप लोगों को जो करना है ना वो करो। अरे वाह, तो फिर ऐसा करते हैं कि मोटा भाई के पलंग के नीचे पापड़ रख देंगे और छोटे मोटा भाई ले देंगे। तो हाँ हाँ हाँ, करो करो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मैं तुम्हें 30 किलो के 20 किलो के, माँ 10 किलो के, 3 किलो के लड्डू चढ़ाऊंगी। चलो बेटा, मैं तुम लोगों को परीलोक की कहानी सुनाती हूँ। दादी मुझे नहीं सुनाओगे? बल्लू। अच्छा बेटा। बालवीर, तुम जहां कहीं भी हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो शायद बच्चों की ये खुशियां और बचपना कभी वापस लौट कर नहीं आता। अब चलो बेटा, मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। चलो स्मिता, जो हुआ अच्छा हुआ। हा? मतलब जो हुआ अच्छा हुआ, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे बच्चे बड़े होकर सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। आखिर संस्कार तो मेरे ही है। हाँ? हमारे ही है। हाँ।